Hey, what's up guys, good morning and welcome back to the vlog. This is Pranit Kohli and guys, hope you all are doing well and enjoying our videos. So guys, aaj ka video full on traffic ke upar hai. Hum log Mumbai jaise shehar mein rehte hain, sabse zyada tax bharte hain, fir bhi hum log ko ek cheez ko jhelna padta hai, wo hai traffic. Ab kahin bhi jao aapko traffic milna hi milna hai. To filhal pichle 2-3 hafte se main dekh raha hu logo ke Facebook mein post hai ki Ulwe se leke CBD Belapur tak hamesha map mein red line dikhata hai. तो आज हम लोग चलते हैं, वो रेड लाइन क्यों दिखाता है वो जानने के लिए. तो फिलहाल मैं अभी सीबीडी बेलापुर में हूँ. अभी चलेंगे हम लोग गवान फाटा में. वो गवान फाटा में भी काफ़ी नोट एंड अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज एंड ऑल का काम चल रहा है. तो वहाँ पर चल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और ये ट्रैफिक का कुछ सोल्यूशन रेमेडी वगैरह निकलता है क्या. तो चलते हैं अभी गवान फाटा और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है. तो गाइस फिलहाल मैं हूँ अभी गवान टाकी रोड पे, जहाँ पे उरन बेलापुर रोड मिलता है जो जंक्शन है वहाँ पर. और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ वहाँ पर क्या सिचुएशन है. जैसे ये जो रोड है पनवेल जाने वाला, वो पूरा स्टक है और ये जो रोड खाली पड़ा है जहाँ पे टैक्सी वगैरह पार्क हो रहा है. अगर ये बैरियर हटा दिया तो ये पूरा रोड खाली होके जो भी सीबीडी बेलापुर या बॉम्बे जाने वाली गाड़ी है वो जा सकते हैं. कि जो बाईपास रोड है बॉम्बे जाने वाला, वो उसके ऊपर बैरियर लगे हुए हैं और यहाँ से गाड़ी नहीं जा पा रहा है. इसकी वजह से पीछे बहुत ट्रैफिक है. अगर ये रोड चालू कर देंगे तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा. ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा ट्रैफिक क्लियर होगा, बट थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक क्लियर होगा. जो बॉम्बे सीबीडी या वाशी जैसे जगह जाने वाली गाड़ी है, एटलीस्ट वो तो जल्दी जा सकते हैं. वाशी बेलापुर में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे लोग जो काम पे जाते हैं वो तो टाइम पे जा सकते हैं गाइस. अगर ये बोल दिया संभावना है. अभी एक रीज़न ये है कि ट्रैफिक क्यों है यहाँ पर. अभी दूसरा रीज़न है उल्वे में. अभी तो चल रहे हैं हम लोग उल्वे में, कि वहाँ देखते हैं वहाँ का क्या हाल. मैं अभी उल्वे रोड पे हूँ, जहाँ यहाँ पर भी हमेशा ट्रैफिक रहती है, क्योंकि यहाँ का जो उल्वे वाला टर्निंग है वहाँ से भी रोड गाड़ी आती है. और जो सीबीडी जाने वाली बवासी जाने वाली गाड़ी है वो भी एक दूसरे से मिल जाती है, तो इधर भी जाम हो जाता है. अभी यहाँ पर फ़िलहाल कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि पीछे जवान फाटा में देखा पूरे व्हीकल स्टॉप हुए है, इसलिए क्योंकि यहाँ व्हीकल पहुँच नहीं पा रहे. तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ट्रैफिक होना तो वैसे आम बात है. पर टाइम बिंग के लिए अगर यहाँ चार जगह चार ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाए और एक ट्रैफिक हवलदार रख दिया जाए उनको कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, तो गाइस इधर भी ट्रैफिक होने का बहुत कम चांसेस है. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, उसके वजह से ये ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है. कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बस अपने को जल्दी घर जाना है ये सोच के गाड़ी चला रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक हो रही है. तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं और आगे सीबीडी तक क्या हाल है ये ट्रैफिक रोड का. तो गाइस उल्वे से थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पर भी ट्रैफिक होती है. अंडर कंस्ट्रक्शन है और बारिश के वजह से पूरा रोड ख़राब हुआ है, इसलिए यहाँ पे व्हीकल स्लो हो जाते हैं और उसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक हो जाती है. तो इसका कोई सोल्यूशन है तो बस वही है कि रोड ठीक करो, वो तो बारिश के बाद ही होंगे. बट जो भी है अपने लेन में चलो तो ट्रैफिक कम हो सकती है. आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग रॉन्ग वे से भी जा रहे हैं इधर, तो वो रॉन्ग वे अवॉइड कर लो ताकि हम लोग सब लोग टाइम पे घर पहुँचे या जो भी ऑफिस वगैरह है वो. तो मैं
प्रॉपर्टी बेलापुर के किल्ला फाटा में है, और यहाँ पर पूरा जो उलवे से गवन फाटा से उलवे से किल्ला, वो जो ट्रैफिक है यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है और कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी है। अगर ये सब चीज़ें उलवे और गवन फाटा में भी अवेलेबल किया जाए तो वहाँ पर भी ट्रैफिक कम हो सकता है गाइस, ऐसा मेरा मानना है। आपका कुछ अलग सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो ट्रैफिक हो रहा है पिछले कई सालों से, जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है उरन से बेलापुर का, उस जगह पर, तो उसका कुछ सॉल्यूशन अपने कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। तो गाइज़, वैसे भी हम लोग अगर अपनी गाड़ी प्रॉपर लेन में चलाए, प्रॉपर सिग्नल फॉलो करे और ट्रैफिक रूल फॉलो करे, तो इससे भी आधा ट्रैफिक कम हो सकता है। पर यहाँ पर कोई है नहीं जो प्रॉपर ट्रैफिक रूल फॉलो करता है, और वैसे भी सब लोग को जल्दी होती है घर पे जाने की, अपने फैमिली के पास जाने की। बट कोशिश करता हूँ ये वीडियो देख के आप लोग को थोड़ा भी जो भी है अपना ट्रैफिक रूल फॉलो करे और अपनी जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी मदद करे। छोटा सा प्रयास था आप लोग को ये ट्रैफिक क्यों होता है वो दिखाने का। तो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्रणीत कोहली ब्लॉग्स टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।